वार्ता का क्लास पूरा करना है या स्टोरी बोली आगे जाने के लिए कंपल्सन किया जा रहा है? दोनों काम करना है, क्लास करेंगे। इसका मतलब वार्ता की क्लास में ज्यादा मजा आने लगा है। ठीक है, क्लास पूरा होने के बाद माता जी का कहना है टोली की बोली लेके जाओ। बोलो बोलो जल्दी, जो टाइम ऐसे ही चला जाता है। हाँ जी, लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। उसमें ये 11 रुद्रगण है ना। हाँ जी, ये कौन सा वंश से कनेक्शन है? ये आदमी में सारा छिलका उतर करके सूर्यवंशी बनेंगे। कोई में कड़ा छिलका है, कोई में हल्का छिलका है, और जो ज्यादा योग बल अपने जीवन में योग बल वाले बनते हैं। योग बल माना काश्य, काश्य माना तेज, बनता है काश्य गोत्र। काश्य को पीने वाला से बनती है काफी। कहते हैं शंकर जी के बहुत तेज वाली नगरी थी काफी नगरी, जहां तेज ज्यादा होता है वहां ज्ञान भी ज्यादा होता है। जितना जितना बीज रूप स्टेज में टिकनेंगे उतना उतना आत्मा जो है वो विस्तार में जाने वाली बनेगी, माने ज्ञान को विस्तार करने वाली बनेगी। बीज रूप स्टेज में टिकना कम होगा तो विस्तार भी कम हो सकेगा। जो बीज लगातार बीज रूप स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस वाले बन जाएंगे उनके 84 जन्मों का विस्तार हो जाएगा। इसलिए बनियन ट्री बहुत प्रसिद्ध है। कलकत्ते में वो यादगार ऑटोमेटिक बनी हुई है। बीज बहुत छोटा होता है और उसका ध्यान बहुत बड़ा हो जाता है। कोई बीज बड़े होते हैं देखने में लगता है बहुत तो बड़े बीज है, लेकिन पौधा छोटा होता है। तो बीज रूपी स्टेज में टिकने की बात है। काश्य रूपी याद के बल को बढ़ाने की बात है। और सूर्यवंश आत्माएं लगातार बीज रूप में रहेंगे क्या? सूर्य लगातार वो रोशनी में रहता है, लेकिन देखने वालों की आंखों में अंधेरा आता है अथवा देखने वाले अंधेरे में जाती है, क्योंकि पृथ्वी की वासी है, सूर्य की वासी नहीं है और पृथ्वी तो घूमती रहती है। पृथ्वी माना धरणी,
तो जब सूर्य आंखों से ओझल हो जाता है तो समझते हैं कि सूर्य डूब गया, अंधेरे में डूब गया, लेकिन वास्तव में खुद अंधेरे में डूब जाते हैं। तो जो सूर्य की आत्मा है वो सूर्य की रोशनी को धारण करने वाली तो है, सूर्य के संग के रंग में आने वाली तो है, लेकिन आखिरी जन्म में वो भी चपेट में आ जाती है। अंधेरे में आ जाती, सदैव सूर्यवंशी कोई बन करके नहीं रहते। इसलिए सूर्य अकेला है, उसकी यादगार ध्रोतारे के रूप में दिखाई देगी। जैसे सूर्य नक्षत्र है, ध्रोतारा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र माने स्वयं प्रकाशित, और किसी से प्रकाश लेने वाला नहीं। साकार दुनिया का कोई भी साकार मनुष्य इसको ज्ञान का प्रकाश नहीं दे सकता है। ऐसी स्वयं प्रकाशित आत्मा के चारों ओर दूसरे ग्रह उपग्रह घूमते हैं, वो नहीं घूमता। इसलिए जो सूर्यवंशी बच्चे वो आखिरी जन्म में तो नीचे गिरते हैं, क्योंकि नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। इसके अलावा और जन्मों में वो कोई भी मायावी ग्रिफ्त में नहीं आते, सदैव लड़ाई लड़ते रहते हैं असत्य के साथ है उनमें भी नंबर वार। इसलिए बोला है कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। ये सुख प्राप्त करने का आधार है याद। जो आत्मा है जितना ज्यादा जन्म ज्ञान सूर्य के साथ रही है वो संग युग में उतना ही ज्यादा याद में टिकती, क्योंकि उनके अंदर संग के रंग के संस्कार भरे हुए, उन्हें याद करना बहुत मुश्किल नहीं लगता। जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में रही है उनको फिर कठिन लगे। इसलिए मुरली में बोला है कि आज में तो एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। इसलिए नारा दिया हुआ है एक शिव बाबा दूसरा नकुल, बाकी सब मिलने वाले हैं। दूसरों के प्रभाव से आगे पीछे प्रभावित होने वाले। माया का जब आखिरी एग्जाम होगा तो माया सबको हिला देगी। है प्रजापिता को तो हिलाने की बात इसलिए नहीं है कि मुकर्रर रूप में उसने कौन है प्रवेश। तो जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश है उसके हिलने की तो बात ही नहीं है। हाँ भुजाएं कट सकती है, भुजाएं जो भी है वो सब खंडित हो सकती है, लेकिन वो स्वयं खंडित नहीं हो सकता। पता पड़ने पर निसंकल्पी स्टेज बनती है या निसंकल्पी स्टेज बनने पर 84 जन्म पता।
निसंकल्पी स्टेज बनना माना बीज रूप स्टेज बन जाना, और वो उन्हीं की बनेगी लगातार, जिनको अपने अनेक जन्मों का पता चल जाए। ये प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है। इतना बीज रूप स्टेज में टिकते हैं, उतना आत्मा में मन चिंतन मंथन की शक्ति बढ़ जाती है। मन चिंतन मंथन आर्टिफिशियल करने की दरकार नहीं होती, स्वतः होता है। जैसे कि बाप मन चिंतन मंथन कराया है, बाबा राम के चार भाई है ना बाबा, राम तो सनातन धर्म की है और भरत माने भरण पोषण करने वाले, तो भरत कहा जाएगा ना, तो अधर्मूर्त में विश्व किशोर भाव होगा फिर लक्ष्मण माने लक्ष्य को धारण करने वाला होगा। लक्ष्य तो यही है कि जो बाबा हमारा पालन है हम तक, मतलब अधर्मूर्त में कौन, आधार मूर्त में भी वही नारायण होगा जो बुद्धिमान होगा। महात्मा बुद्ध का बुद्ध नाम पड़ा है तो जरूर बुद्धिमत्ता का काम किया होगा, बुद्धि की ऐसी पराकाष्ठा का धर्म स्थापन किया जिसमें आत्मा परमात्मा का नाम निशान नहीं आया कहीं भी। जो भी आत्माएं ज्यादा लिटरेचर बनाती है, ज्यादा लिटरेचर बना करके वितरण करती है, वो आर्य समाज की आत्माएं है। और शत्रुघ्न ये पाठ पूछना और करना ये अज्ञानता की बात है। बाप दादा ने बोला है कि मैं पाठ किसी का कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बताऊंगा। मतलब तो क्या है बाबा, शत्रु जो शत्रुओं को आनंद करे, दुनिया में जो भी शत्रु है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धारण करने वाले और इनको न त्यागने वाले, उन सबका हनन जब एटमिक विस्फोट होता है तो हनन हो जाता है। और एटमिक एनर्जी तैयार करने वाला कौन सा धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म का भी जो नास्तिक छेड़ा है वो एटमिक एनर्जी तैयार करता है, तो जो तैयार करता है वो निमित्त भी बनता है विस्फोट कराने के लिए। इसलिए दुनिया में जो भी शत्रु हैं आत्मिक स्थिति के, उन सब का सफाया करने के निमित्त बन जाता है। एटमिक विस्फोट होते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाता है, पृथ्वी का बैलेंस डोलता है, वायुमंडल गर्म होता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मीलों ऊंचे पहाड़ पिघल पड़ते हैं, समुद्र में आ जाते हैं, समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाता है। और एटमिक विस्फोट से जो बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ता है उससे भूकंप आते हैं, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिन भूकंपों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कईयों मार की वो सब धराशायी हो जाती है। आज की दुनिया में मल्टी मिलियनर्स ने मल्टी स्टोरी वाली बिल्डिंग तैयार की है, इसमें दुनिया की ज्यादा जनसंख्या रही पड़ी, वो भूकंप से सबसे बड़ी भारी विनाश होता है। वो क्रिश्चियंस के विनाश से प्रभावित है, उनकी साइंस से प्रभावित है, साइंस में ही जीना और साइंस में ही मरना होता है।
भगवान की सिखाई हुई साइलेंस में उनका विश्वास नहीं बैठता, इसलिए वो क्रिश्चियंस का जो बीज रूप है वो सब शत्रुओं का हनन करने वाला है। और औरंगजेब ने शासन जेल में रखा है, वो आपने उस समय कुछ महसूस नहीं किया है क्या? औरंगजेब का शासन काल कौन से समय में था? है मुगलों का जो ऊंचे से ऊंची स्टेज का शासन रहा है वो शाहजहां के समय में रहा है, और शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब था। मुगल सल्तनत 600-700 साल राज्य करती है, तो मध्यकालीन जो शाहजहां का टाइम रहा वो हमसे कितने साल पहले रहा? वो 300 साल पहले रहा। तो 300 साल में कितने जन्म हुए? कम से कम कितने जन्म हो सकते हैं 300 साल में? 3-4 जन्म होंगे। तो औरंगजेब के शासन काल में शाहजहां को जो जेल में डालने का दुख झेला गया वो 82-83 जन्म के अंदर का है या बाहर का है? इसलिए वो मिसाल नहीं दिया जा सकता। और 50% देवान दे तो दूर से भी सोना बनेगा क्या? ये भांग की बात नहीं, भक्ति को धारण करने की बात है। भक्ति रावण सिखाने वाला है, और रावण की सिखाई हुई भक्ति के संस्कार अगर अंत तक किसी आत्मा में मौजूद रहते हैं, भले वो कोई आत्मा कितनी भी ज्ञानी हो, लगन लेकिन अगर एक संस्कार भी भक्ति मार्ग का रह जाता है अंत समय में तो उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैंने 5 रुपया संस्कार, कोई भी संस्कार हो भक्ति मार्ग का जो ज्ञान के पुट से भरा पूरा न हो, अज्ञानता युक्त माने भक्ति, अंधश्रद्धा अंधविश्वास माने भक्ति। सारी अभी सारी भक्तियां हैं, लेकिन अंत में जब संपन्न आत्मा बनेगी तो आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेगी या भक्ति ही बनी रहेगी? गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया, सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया और ब्रह्मा का रथ निमित्त बना। ये सुनने सुनाने का काम हुआ, लेकिन उसमें क्या रहस्य भरा हुआ है वो रहस्य किसी के पल्ले नहीं पड़ता, माना वो सार किसी की बुद्धि में नहीं आता। दूध है, दूध को बिलोया जाता है, दही को बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है तो सार निकलता है। तो ब्रह्मा के मुख से जब तक वाणी चली उसको बिलोने का कार्य है, मंथन करने का कार्य है, संपन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको गीता तो कहेंगे, क्योंकि गीता माता के मुख से निकली, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत माना रस,
कौन सा रस जिसमें सार भरा हुआ है, मक्खन भरा हुआ है। वो सार तब निकलता है जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है, और कोई ब्राह्मण बच्चा उसे गीता ज्ञान का मंथन करने का निमित्त बनता है। जिसे सृष्टि का पहला ब्रह्मा कहा जाता है, जिसे पहले ब्राह्मण के नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुआ, उसे सनत कुमार कहो, शंकर कहो, ईसा नेत्रधारी कहो, बात एक ही। वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जब सागर आता है तब उसमें से अमृत कलश निकलता है। सागर तो सारा ही ज्ञान का सागर है, लेकिन उसमें से जो कलश निकला वो उस ज्ञान सागर का भी सार है। इसे कहते हैं एडवांस ज्ञान। बेसिक ज्ञान माना गीता ज्ञान, एडवांस ज्ञान माना गीता ज्ञान अमृत, ये दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो सार भी उसी को कहेंगे ना, ग्रैंडमास्टर सार भी उसी को नहीं कहेंगे, सार उसी को ही कहेंगे। उससे पहले वो छाछ भी थी और उसमें सार भी मिक्स था, जिसे बेसिक ज्ञान कहते हैं। और एक तो विशाल बुद्धि उनको कहेंगे जैसे साइंस दान पांच तत्वों का विश्लेषण करते हैं, पांच तत्वों का ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन उसे बेहद का ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि स्थूल बातों का स्थूल चीजों का तो ज्ञान है, लेकिन आत्मा जो बेहद की है वो बेहद का ज्ञान उसके अंदर नहीं। बेहद का ज्ञान अर्थात 500 करोड़ मनुष्य मात्र या जो भी आत्माएं हैं उनके अनेक जन्मों का ज्ञान संसार में जब फैलता है संगम युग में, तब उसे बेहद का ज्ञान कहा जाता है। बाकी बेहद का जो ज्ञान आता है वो भी तब आता है जब दुनिया में हद का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, वो भी 100 साल के अंदर बढ़ता है। साइंस का ज्ञान और साइलेंस का बेहद का ज्ञान भी अंतिम 100 वर्षों में ज्यादा बढ़ता है। और बाबा सात्विक प्राणी क्या पाप की होगी कि हिंसक प्राणी की आहार बनने और बेहद का विचारेंगे? सात्विक हमेशा सात्विक नहीं रहता और तामसी हमेशा तामसी नहीं रहता। जो सात्विक होता है वो कभी तामसी बनता है, जो तामसी होता है वो ही कभी सात्विक बनता है। यहाँ चौपायों का मतलब है। उदाहरण के लिए जैसे चार पांव वाले ब्रह्म वो जानवर होते हैं तो उनमें सात्विक भी होते हैं और उनमें खूंखार भी होते हैं, हिंसक भी होते हैं। चार पांव वाला जो जानवर है वो संक्रमण के आधार पर बदल जाती है उसकी जाति।
शेर हमेशा शेर ही नहीं रहेगा, शेर की चौपाई जाति से बदल करके दूसरा भी बन सकता है। इसका प्रूफ है डायनासोर। पहले डायनासोर था, हड्डियां मिली हैं, बाद में वो चौपाया संक्रमण के आधार पर बदल गया, वो जाति ही खत्म हो गई, दूसरी जाति का चौपाया बन गया। तो खूंखार भी बदल सकता है, और जो सात्विक प्राणी है वो भी बदल सकता है। ऐसे नहीं कि गाय हमेशा गाय ही बनी रहेगी, गाय के रूप में ही जन्म लेगी, कोई भी चौपाय के रूप में जन्म ले सकती है। और जन्म में ये कोई निश्चित नहीं है, ये तो संस्कारों के ऊपर है। संस्कार जब सात्विक बन जाते हैं तो सात्विक प्राणी के रूप में जन्म मिलता है, धीरे धीरे कलेक्शन होते होते जब तामसी बन जाते हैं तो तामसी है। ये कोई स्त्री पुरुष का जन्म थोड़े ही है कि एक जन्म में स्त्री बनेगा एक जन्म में पुरुष बनेगा, वो भी द्वापर कलियुग में बदल जाता है। द्वापर में आने के बाद मनुष्य आत्मा दो जन्म भी ले लेती है स्त्री के, दो जन्म भी लगातार पुरुष के हो जाते हैं। तो संस्कार अपनी संपूर्ण स्टेज में पहुंचने में ऐसा टाइम लगता है, दो जन्म से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसे जानवरों का भी हिसाब बना हुआ है। राजयोग सीखने वाले बाप से राजयोग सीखेंगे कि औरों से भी राजयोग सीखेंगे, और जो है आत्माएं वो राजयोग नहीं सिखाती, और यही भोग वासनाओं में लिप्त करा देती है। एक बाप है जो अपने परिवार का सदस्य बना करके राजयोग सिखाता है। तो जो 16,108 आत्माएं गोप गोपियों के रूप में गाई हुई है, जो गुप्त संबंध जोड़ने वाली है, वो गुप्त संबंध के आधार पर गोप गोपियां बनती है, माने समर्पित जीवन बिताती है। जो संपूर्ण समर्पण में नहीं बन पाते वो राजयोगी भी नहीं बन पाते, और राजयोगी नहीं बन पाते तो 16,108 के राज परिवार में आने के हकदार भी नहीं बन पाते। तो क्या हुआ, घरों में रहने वाले जो गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैं वो स्वतंत्र बनकर के नहीं रह सकते, आपस में भाई भाई बन के नहीं रह सकते है? क्या जरूरी है कि वो बंधन में ही रहे? हो सकता है योग बल के आधार पर अपने सारे बंधनों को उसी जन्म में काट दे, नहीं काट पाए तो फिर आधीन होके रहेंगे, योगी कहां बने? एक के आधीन रहे, एक बाप के आधीन बन करके रहे तो राज परिवार में आवेंगे। एक के अलावा कोई मनुष्य के आधीन बन करके रहते हैं, हाँ ये बात जरूर है कि कोई आत्माएं अंतिम समय में इतना फास्ट पुरुषार्थ करेंगी कि अपने सब बंधनों को त्याग देंगी। जैसे यज्ञ के आग में
कराची में सब इकट्ठे हो गए। उनका पुरुषार्थ इतना फास्ट हो गया, लगन इतनी तीखी हो गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उभर पड़ी और वो स्वतंत्र बन गए। और लास्ट तो फास्ट पुरुषार्थ करके वो आगे बढ़ गए। सरेंडर होना जरूरी है। सर दूसरे के अंदर अंदर में बना रहेगा तो फिर वो श्रीमत पे चलने देंगे? नहीं, रहेंगे तो ना बाबा घर में या बाबा के घर में। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो जब गीता पाठशाला वालों को ही गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी तो घर में तो रहने वाले मतलब रह जाएंगे क्या? या तो दे डालियों के आधीन बन करके रहेंगे, या तो जो बाप स्वाधीनता सिखाने वाला आया हुआ है वो स्वाधीनता का पाठ पढ़ेगी। गोचर के कौन जाने के लिए बोलता है? यज्ञ के आदि में जो कन्याएं माताएं 7 तालों के अंदर रखी गई थी वो जवरियन तालों को तोड़ करके आई थी। टाइम ऐसा आ गया, प्राकृतिक रूप से ऐसा टाइम आ गया कि सारे बंधनों को त्याग दिया, उनके ऊपर कोई बंधन डालने वाला ही नहीं रहा, तो स्वतंत्र हो गई। बीज रूप स्टेज का मतलब कुछ है? बीज रूप स्टेज माने बिंदु आत्मा स्टार ही दिखाई पड़े। मैं आत्मा स्टार हूँ, वो स्टार की स्मृति बनी रहे, देह की स्मृति आए नहीं। जब बीज रूप स्टेज रहेगी तो संकल्प क्यों रहेंगे? संकल्प तब तक आ रहे हैं जब तक 63 जन्मों की रील घूम रही है शूटिंग पीरियड में। 63 जन्मों की रील ही घूमना बंद हो जाएगी तो निसंकल्प स्टेज बन जाएगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब देहधारी आत्माओं के साथ जब तक रहा हुआ है तो संकल्प विकल्प भी चलते हैं। हिसाब किताब पूरा होगा तो एक बाप दूसरा में कोई है स्टेज बन जाए। आगे पीछे सरेंडर होने का फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई लास्ट में भी फास्ट जा सकता है। सरेंडर बुद्धि जब सरेंडर होता है तो सात्विक स्टेज होती है। बाद में धीरे धीरे सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनता है। और बहुत ठीक है, तीव्र पुरुषार्थी भी होते हैं, अभी भी देखने में आते हैं। अर्थदेवों में आने वाले मोस्टली 10-12 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं है। जिस समय अगर सवाणी में ये बात बोली गई माता जी का बात समझो बताओ। पर्सनल बात नहीं पूछनी अभी। हाँ जी लक्ष्मी वाली आत्मा राजा बन रहा है। लक्ष्मी वाली आत्मा राजा बने? एक स्त्री एक पुरुष वाला रहते हैं है ना, उस समय राम जी बने तो लक्ष्मी पुरुष बनेगा नहीं क्या? बनेगी। और फिर उस समय लक्ष्मी की आत्मा राजा बनेगा नहीं? वो जरूरी है की राम की आत्मा हर जन्म में राजा बने। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, वो आत्मा तो
हर जन्म में राजा थोड़ी बनती है, हर जन्म में कोई राजा नहीं बन सकता। दानदाता तो पुरुष बन सकती है, राजा थोड़ी। पुरुष बनने मानो, पुरुष बनना माना राजा, ऐसे समझ के बैठे हो। अरे पुरुष बनना माना राजा नहीं होता है, पुरुष बनने वाला चांदाल भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, साहूकार भी हो सकता है। राम रानी कभी नहीं बनता है, राम रानी कभी नहीं बनता है। यहाँ आधीन बना होगा तो वहाँ भी आधीन बने ना। यहाँ कौन से पढ़ाई पड़ेगा तो वहाँ भी पढ़ाई पड़ेगी, पता चल जाएगा प्रैक्टिकल में, पढ़ाई पढ़ा के देखो। बाबा राम वाली आत्मा के मन चिंतन से अमृत निकलती है, उसके फॉलोअर्स के आत्मा से मन चिंतन हो सकती क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो मन चिंतन मंथन होगा, उनसे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं ज्यादा हो सकती, पुरुषार्थ करो। राम माता की आत्मा से भी ज्यादा हो सकती है, आत्मिक स्थिति ज्यादा हो सकती है तो देवान में मोटाई भी ज्यादा हो सकती है। आप तो बच्चों के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि बच्चा मेरे से भी ज्यादा सवाया बने, क्या बच्चे की हिम्मत को आगे बढ़ाने वाले होते हैं या घटाने वाले होते हैं? आगे बढ़ाने वाले। देर क्या बात, बढ़ो आगे हो सकता है। हाँ, अगर बच्चा बाप को प्रत्यक्ष कर दे स्थूल चित्र छपा करके तो आगे बढ़ गया ना। चित्र निकाल दिया है सूक्ष्म चित्र बनाने के लिए, आप सहयोग देंगे ना? आप तो सब बातों में सहयोग देंगे, आप हिम्मत करेंगे तो आप सहयोग देंगे। पैसा निकालने के लिए तो आप देखिए और क्या हो जाएगा कि पहले से सबका आत्मा का पास पता चलेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। माउंट आबू जाना माना परमधाम को सृष्टि पर उतारना, परमधाम में बीज रूप स्टेज वाला बाप होगा और बीज रूप स्टेज वाले बच्चे होंगे। बीज रूप स्टेज पहले बनेगी कि पहले 84 जन्म क्लियर होंगे? पहले बीज रूप स्टेज बनेगी, वो भी 8 घंटे की कम से कम। तो 5 मिनट टिकना मुश्किल होता है। नौ लाख में 4.5 लाख तो देखने में ही नहीं आएंगे, तो असर ही है, स्थूल शरीर उनका होता ही नहीं। और बताया असली में आने वाला सिद्धू भी जूनियर नहीं है, 10 साल नहीं होंगे। लास्ट तो फास्ट जाने वाली आत्माएं हैं, मोस्टली होने के ऐसे होंगे जो 10-15 साल से ज्यादा पुराने नहीं होंगे, ऐसे अद्वैतवाणी में बोला है। और बाबा 8 घंटे का आत्मिक स्थिति है, 8 घंटे निसंकल्प स्थिति है क्या? और क्या, 8 घंटे की निसंकल्प स्टेज पक्का कर देगी। जैसे वो अधियोगी मानते हैं कि 3.5 घंटे लगातार एक आसन पर कोई बैठा रहे तो उसका आसन पक्का हो जाता है, वो 24 घंटे भी बैठ सकता है, कोई थकान नहीं होगी।
शरीर में अकड़न नहीं आएगी। ऐसे यहाँ भी टाइम नुदा हुआ है, 8 घंटे की बीज रूप की स्टेज माना आत्मा अपनी परिपक्व स्टेज धारण कर चुकी, उसको कोई नीचे नहीं ला सकता उस स्टेज में, स्पेस में चली गई, धड़े के आकर्षण से परे चली गई। हाँ जी, हठयोगी हठयोग करेंगे, हठयोग करने के आदि है या आत्म की स्थिति में रहने के आदि है, ये तो दोनों विरोधी बातें हैं। बाप के बच्चे होंगे वो हठी नहीं होंगे, बाप जो बात बताएंगे वो मानने वाले होंगे, हठयोगी अपनी चलाने वाले होंगे, अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए हठयोग करेंगे, अनशन करेंगे। बच्चों के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया में संगल हो जाएगी, बच्चों के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वाइब्रेशन अगर एकाग्र होंगे, एक के संकल्पों से मिलते जुलते होंगे तो दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा। संकल्प सूत्र भी एक धागे में बंधा हुआ होना चाहिए ना, एक का संकल्प कुछ चले, दूसरे का संकल्प दूसरा चले, तीसरे का संकल्प तीसरा चले, एक का संकल्प पूर्व में चले, दूसरे का संकल्प पश्चिम में चले। सफलता थोड़ी हो जाएगी। बच्चे इस अहंकार में नहीं आना चाहिए, आज अच्छा मान चिंतन चला था, ऐसा अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि वो भी बाप दादा ही कराएगा ऐसा एक मुरली में बोला था बाबा, इसको प्रेरणा नहीं कहेंगे क्या? प्रेरणा करना बात अलग और आत्मिक स्थिति में रहना बात अलग। आत्मिक स्थिति में रहने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास पक्का होगा उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। प्रेरणा तो बाप देते ही नहीं, प्रेरणा से अगर काम करें तो फिर शक्ति पर आने की दरकार ही क्या है, ऊपर बैठे ही बैठे प्रेरणा देते रहे। मनन चिंतन बाप कराएगा, बाप नहीं कराएगा, आपकी जो बीज रूप स्टेज बाप समान बनेगी वो मनन चिंतन मंथन कराएगी। हाँ जी, सबकी स्टेज एक जैसी थोड़ी बन जाएगी, सबकी कैसे बन जाएगी? 500 करोड़ सबकी एक जैसी स्टेज कैसे बनेगी? 9 लाख की भी एक जैसी नहीं बनेगी, 9 लाख में भी 4.5 लाख को तो अपना शरीर ही नहीं है, तो दूसरे 4.5 लाख है उनमें आधे रानी बनने वाले, आधीनता के संस्कार वाले हैं। बच्चे 2.25 लाख वो अलग अलग धर्मों का छिलका लिए हुए बैठे, उनकी भी एक साथ स्थिति नहीं बन सकती। नंबर वार है, एक ऐसे भी बोला ना कि सनातन धर्म वाले जो आत्माएं होंगे उनमें बाप प्रवेश करके फिर मनन चिंतन भी करा, जो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं है वो सनातन धर्म की नहीं है, सनातन धर्म की है तो वो भी सनातन धर्म की, पूरे 84 जन्म लेने वाली, ऐसे क्यों कहना चाहिए? क्या बोले थे? हाँ, क्या क्या बोले थे? सनातन धर्म वाले में प्रवेश करके शिव बाप मनन चिंतन मंथन कराते हैं। शिव बाप प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन जो बेसिक नॉलेज का हुआ है वो दादा लेखराज में नहीं हुआ, जो भी दादा लेखराज के द्वारा जो कुछ वाणी बोली गई बेसिक आधार पर वो मनन चिंतन मंथन नहीं है, लेकिन बेसिकली है।
एडवांस नहीं है, दुनियावी ज्ञान है, उस ज्ञान के मुकाबले बहुत परिवर्तन है बेसिक नॉलेज में। पांच पांडव ही पांच कुल के, पांच कुल के होते हैं, एक कुल का युधिष्ठिर, दूसरे कुल का भीम, तीसरे कुल का अर्जुन, चौथे कुल का नकुल, पांचवे कुल का सहदेव। जो अभी जगह नहीं पंचकूला था, सुनने में आया कि वहाँ पांच धर्मों के आत्मा ही जा सकते हैं जो स्वदेशी हो। अरे रेगुलर पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे तो पांडव ही बनेंगे या कौरव बन जाएंगे, यादव बन जाएंगे। जगह में जाने की बात जो हो रही है, जगह से भी कनेक्टेड बात है। नाम जो पड़ता है वो काम के आधार पर पड़ता है, जैसा काम किया है वैसा नाम पड़ा है। ये सब संगम युग के नाम पड़े हुए हैं चारों शास्त्रों में भी तो प्रैक्टिकल में भी। बाबा 18 वर्ष में कंचन का ये बनने के लिए शास्त्र करना पड़ता है, वो कब से शुरू होता है? कंचन का बनने के लिए 18 वर्ष होता है ना बाबा? कंचन काया बनने के लिए 18 वर्ष? कोई निश्चित नहीं है कि 18 वर्ष में कोई कंचन काया बन ही जाती है। अभी से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अभी कंचन बुद्धि बन रही है कि नहीं? कंचन बुद्धि बनेगी तो कंचन काया भी बनना शुरू होगी। ऐसे थोड़े कि 18 वर्ष निश्चित है, राम वाली आत्मा का तो पहले से ही शुरुआत हो जाएगी। 18 साल के अंदर की बात है, 18 साल के बाहर भी बात नहीं। मना कभी बोले थे, बोले कि 18 साल के ज्यादा किसी का नहीं होगा। क्या नहीं होगा किसी का? निरोगी कंचन काया बनने में 18 साल से ज्यादा किसी का नहीं होगा ऐसा। माना जब राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा 18 में, उसके बाद राम वाली आत्मा की कंचन काया बनना शुरू होगी? नहीं, पहले से ही हो सकती है, लेकिन पहले से होगी तो 18 साल से ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, और आपने मुरली में क्या कहा था? बाबा हैदराबाद को इक्ष्वाकुवंशी ने राजा किया निजाम से पहले। निजाम के पहले हैदराबाद को इक्ष्वाकुवंश, ये शास्त्रों की बात है या हिस्ट्री की बात है? है? नहीं, इक्ष्वाकुवंश तो महाभारत में बताया गया है, शास्त्रों में नाम आया है इक्ष्वाकुवंश। इक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ने में गन्ना, उसमें मिठास ज्यादा होता है। तो शिव बाबा के जो कुल के हैं वो सब मिठास के कुल वाले हैं, माने इक्ष्वाकुवंशी हो गए। जिनकी वाणी में मिठास भरा हुआ हो, जिनकी दृष्टि में मिठास भरा हुआ हो, जिनके वाइब्रेशन में मिठास भरा हुआ हो, उनको इक्ष्वाकुवंशी कह दिया। रामायण हाँ जी, और अभी भी जगदम्बा रामधेनु का पाठ बजा रहे हैं ना, तो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, वो सबके लिए पूर्ण हो रही है? सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है जगदम्बा? नहीं, वो पाठ तो अभी भी चल रहे है करके बोल, वो सब मनोकामनाएं पूरी करती है। और माया भ्रष्ट मनोकामनाएं पूरी करती है। और शिव बाबा जो भी बच्चों की श्रीमत के अनुकूल मनोकामनाएं उनको पूर्ण करने वाला है।
जगदम्बा का पार्ट है तो सारी जगत की अम्मा है, उसमें कौरवों की अम्मा है या नहीं, यादवों की अम्बा है या नहीं, सब की अम्बा है, हर धर्म वाले की अम्बा है या नहीं, हर धर्म वाले की अम्बा है। तो माँ तो हर बच्चे की इच्छा पूरी करती, माँ माँ बच्चों के मोह में आने के कारण ही तो अपना पद नीचा कर लेती है। लेकिन अभी तक जिनसे मिलना ही नहीं हुआ उनका फिर ये पार्ट कहाँ है? उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा पार्ट बजाया होगा जगदम्बा के साथ कि अगले जन्म में तुम्हें जल्दी मिलना नहीं होगा, तुम तड़पते रहना, अम्मा अम्मा का चिल्लाते रहना, पैदा होना और जुदा हो जाना। क्योंकि ब्रह्मा को भुजाएं होती है, प्रजापिता जो है वो भुजाओं वाला नहीं है, उसमें खुदा आता है, जो जिसमें खुदा आता है उसमें खुद ही बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसमें खुद ही बढ़ जाती है। तो अंत में जब पार्ट बजाता है तो उसे किसी की परवाह नहीं, खुदा तो खुद ही है, कोई सहयोगी बने या न बने उसे कोई बात की परवाह नहीं है। इसीलिए तो मैं हूँ शिवो हम, पूछ रहे थे और एक बहन भी पूछ रही थी वही क्वेश्चन, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं थे वो सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, उनमें से सनत कुमार का ही नाम से ये सनातन धर्म का नाम पड़ा, लेकिन सनातन जो सेकंड नंबर वाला है वो तो सेकंड नंबर थोड़े ही है, मतलब जैसे आड़ है ना सनत सनातन जो सबसे छोटा है, माने ज्ञान में बाद में आया फिर भी लास्ट तो फास्ट गया, इसलिए ज्ञान में बड़ा होने के कारण वो बड़ा कहा गया, वेद की बात है बाबा। सनातन देवी देवता धर्म है ना, तो सनातन तो ये तीसरा नंबर का हो ना, तो सनत कुमार के आदि सनत कुमार देवी देवता धर्म क्यों नहीं पड़ा? जिसका नाम सनातन है वो तो सिर्फ नाम मात्र का सनातन है, लेकिन वास्तव में जब नई सृष्टि शुरू होती है तो नई सृष्टि में पहले पत्ते का पहला पत्ता है, क्या उस आधार पर वो समझता है इस फूल सृष्टि से कि मैं सनातन हूँ, लेकिन वास्तव में वो सनातन नहीं है। सनातन वो है जो लास्ट में होते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान की पावर से आगे जाने वाला, इसलिए संसार के सामने बड़ा होकर के प्रसिद्ध हुए, उसके नाम से सनातन धर्म पड़ा। और बाबा एक हम बात सुनाए, खुदा का मेहमान हो तो गदा भी पहलवान होता, ये वर्ग के लोग का सच है। खुदा का मेहमान हो, खुदा का मेहमान, खुदा का मेहमान तो गदा भी पहलवान होता। ब्रह्मा को तुम क्या समझते हो? ब्रह्मा को तुमने क्या समझा? अभी समझा गदा। तो पहलवान बन गया ना, पहला पत्ता बन गया सृष्टि का है, और धर्म वालों से तो ज्यादा ही पहलवान बन गया ना, और धर्म वाले नारायण तो उनकी तो पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और उसकी मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है, तो पहलवान हो गया ना बाबा। वो बात हमको भी लागू होता है, आगवान बचा क्या पहलवान कदा बुद्धि तो है
वो बुद्धि के आधार पर गधा कहा जाता है या मेहनत के आधार पर? मेहनत तो वो सबसे ज्यादा करता है, लेकिन बुद्धि ऐसी है कि उसे कुम्हार के डंडे के नीचे ही काम करना है, अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता। यहाँ भी लोग कहते हैं कि कर्म करना ही पूजा है सबसे बड़ी, लेकिन गधे का कर्म करना पूजा है क्या? गधे तो गधा तो दूसरी की मत पर चलता है, परमत पर चलता है, इसलिए फिर गधा कहा जाता है। और यहाँ तो अपनी बुद्धि के आधार पर फैसला करके समझ करके फिर चलना है। बाबा जी के सभी गधे हैं क्या अभी? हाँ, कोई 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 चीता भी होंगे, कोई घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे, लेकिन बबर शेर तो एक ही होता है। और दीदी बाहर दुनिया वालों को कैसे लागू करते हैं? दीदी बाहर दुनिया वालों को कैसे लागू करते हैं? दीदी बाहर की विधि क्या विधि? विधि मना श्रीमद के अनुकूल चलने से जान दुनिया वाले कहाँ जानते हैं श्रीमद को? कहाँ जानते हैं दुनिया वाले श्रीमत को? कहाँ जानते हैं उन्हें श्रेष्ठ मत देने वाला मिलता कहाँ है? उनकी तो बात ही नहीं। कैसे बनती है उनकी विधि? कैसे बनती है उनकी विधि? वही भक्ति मार्ग की विधि बनती है जो दस दिनों से आती है। दस आत्माएं समझाने वाली होंगी, बताने वाली होंगी, गुरु बनेंगी, तो दस मत पर चलने वाला कैसी विधि अपनाएगा? एक ने कहा इस रास्ते जाओ तो इस रास्ते चलने पड़े, फिर दूसरा मिला इस रास्ते जाओ तो इधर चल पड़े, तीसरा मिला इधर जाओ तो इधर चल पड़े, धक्के खाते रहते। उनकी यही विधि है धक्का खाने का। और पवित्र शरीर में आते हैं, सारी दुनिया बाप को फॉलो करती है तो धर्म पिताएं भी बाप को फॉलो करते हैं। बाप किस में आता है? अपवित्र तन में आता है तो धर्म पिताएं भी अपवित्र तन में आते हैं। और फाइनल माला है। हाँ हाँ जी, रुद्र माला को प्रवृत्ति मार्ग की माला नहीं कहेंगे, सब आपस में भाई भाई है। और जगदम्बा को बाइक पर सवारी क्यों दिखा? जगदम्बा को कभी कहीं ऐसे चित्र भी थे? चित्र बनाने वाले तो ढेर के ढेर हैं। बाबा ने कहा अनेक मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। बाप तो कहते हैं इन चार चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाने की दरकार ही क्या है? अगर बनाने वालों ने बनाए हैं तो बनाते रहे, हम उन्हें क्यों रेखा करें? के चित्र में कमल पुष्प को दिखाते हैं ना, कमल फूल को, उसका कमल फूल का अर्थ क्या होता है? कमल फूल का अर्थ है कमल फूल समान जीवन बिताने वाला होता है, लेकिन कल्पवृक्ष के चित्र में ही वो भी कल्पवृक्ष के चित्र में भी ऐसे है जो कीचड़ में सम्मिलित होकर के रह जाते हैं, और कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान निर्लिप्त रहते हैं। लेफ्ट साइड ही दिखाया ना? तो
क्या हुआ, लेफ्ट साइड में रह करके ही तो होगा कीचड़, राइट साइड में कीचड़ होता है क्या? विचार कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, बाम मार्ग में या दाएं मार्ग में? बाएं मार्ग में विचार होता है। हाँ जी, और करना मना था, चले जाना। जहाँ जिसने जहाँ राज्य किया उसने वहाँ वो अपने शहर स्थापन कर दिया, अपनी भाषा चला दी। कोई हैदर अली हुआ होगा तो अपने नाम से देश विदेश बसाता चला जाता है। पहले ना भाग्यनगर था, भाग्यनगर था, नाम बदले किसने, स्थान बदल करके मस्जिदें किसने बनाई? मुसलमानों ने स्थान बदल दिया, नाम बदल दिया, मस्जिद बना दी। तो बहुत से कैसे मिला इसमें भी ऐसा रहता है ना, उसको बहुत से कैसे मिला मेरा बादशाह बादशाह होते नहीं है क्या? फिर विदेशी भाषाओं वाले, विदेशी देश वाले, विदेशी धर्म वाले, वो भी राजा बनते हैं मायावी राज्य में? और सच्चा होगा वो नाचता रहेगा, डांस करता रहेगा, और झूठा होगा वो रखड़ता रहेगा, रड़ता रहेगा, रोएगा और दूसरों को रुलाएगा। और बाप माना जो बाप है, और दादा आने जो बाप के बच्चे हैं उनमें बड़ा है। अव्यक्त बाप दादा का मतलब अव्यक्त स्टेज वाला है, दादा भी अव्यक्त स्टेज वाला है, बाप भी अव्यक्त स्टेज वाला है, लेकिन उनमें एक है बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, और दूसरा है दादा माने सारी मनुष्य सृष्टि का बड़ा भाई माने रामकृष्ण की आत्मा है, बाप और दादा। इसलिए अव्यक्त वाणी में कभी कभी आता है बाप दादा, माता पिता, शिव बाप बोले, ब्रह्मा बाप बोले, बाप दादा बोले, अलग अलग शब्द आते हैं उनके अलग अलग अर्थ भी है। और हाँ जी, बाबा जी कह रहे बच्चे से कीचड़ में धो लेते हैं, बाबा जी पहले ही धो चुके हैं ना, बाबा जी पहले ही धो चुके हैं दूसरे के लिए टाइम, तो ऐसे बच्चे ने कीचड़ में धो लेते ना, तब बाबा बाबा आया ऐसा बोला, तब तक बाबा आया क्या हुआ धो लें कीचड़ हो गए बाबा। आप क्या कहना चाहते हैं तो बताइए। बाबा पहले ही बोले ना, जब तक बाबा आया ऐसा बोले ना, मालूम नहीं कैसे बाबा चला है, जिसके बाद बाबा ने चला है ये बात दो लाइन बच्चे ने चला है, तो सब बाबा आया ना, पहले से बाबा मौजूद है, दो लाइन के बाद बाबा आया, ऐसे क्यों होगा? बाबा क्लास में आते थे, आते ही वाणी चलाना शुरू कर देते, इनको पता नहीं। बाबा आते थे क्लास में, और क्लास में आकर के गीत सुनते ही सुनते बोलना शुरू करते थे, यही चला। दो लाइन बाबा के आते आते दो लाइन चल जाती है ना गीत की, बाबा वाणी चलना शुरू करते हैं। हाँ, दृष्टि भी तो देते थे ना, कभी कभी दृष्टि भी देते थे, रेगुलर नहीं देते थे, रेगुलर।
हो गया Thank you.